क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर में रिटर्न आ रही है अमानेटर 7 की ये वाली गन स्किन जो रेयर मानी जाती है। और क्या आपको पता है फ्री फायर इतना दयावान कब से हो गया, हमारे इंडिया सर्वर के लिए जो रेयर चीजें हैं वो रिटर्न में क्यों ला रहा है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहना, आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये M187 की जो गन स्किन है वो आपको किस इवेंट में और किस तरीके से रिटर्न में देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो और इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि ये M187 की गन स्किन टोकन टावर इवेंट में आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये M187 अगर आप निकालते हो तो आपके बहुत सारे डायमंड जो आपने काफी मेहनत से इकट्ठे किए हैं वो आपके सारे के सारे फ्री फायर लेकर उड़ने वाला है। सिंपली इसमें कुछ नहीं होता है, स्पिन करना होता है और स्पिन करने के बदले आपको टोकन इकट्ठे करने होते हैं। और ये टोकन एक दो तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आखिरी की जो 4 नंबर के और 5 नंबर के जो टोकन है वो आपको बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से और साथ में बहुत सारे डायमंड लगाने के बाद ही मिलने वाले हैं। सिंपली इसमें आपको डायमंड लगा के स्पिन करना होता है और स्पिन में कुछ भी निकल सकता है। अगर आपके पास 5 टोकन इकट्ठे हो जाते हैं तो ये M187 की जो गन स्किन है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप 1 टोकन ले लेते हो, 2 टोकन ले लेते हो और 3-4 टोकन पे भी आपको अलग अलग प्राइज मिलता है, लेकिन M187 लेने के लिए आपके पास ये M187 के जो 5 टोकन नहीं चाहिए। और ये 5 टोकन लगाने में आपको बहुत ज्यादा डायमंड वेस्ट करने पड़ेंगे। वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने अभी के समय में जो हमारा कोबरा बंडल आया है रिटर्न में इसको निकाला होगा तो आई होप कि आपके पास डायमंड तो बचे नहीं होंगे। हाँ, अगर आप वो हाई लेवल के बंदे हो या फिर ऐसे यूट्यूबर हो जिसको फ्री फायर फ्री में डायमंड देता है तब तो अलग बात है, लेकिन मेरी तरह नॉर्मल बंदे हो और नॉर्मल यूट्यूबर हो तब तो आपके पास तो इतने डायमंड होंगे नहीं। और अगर आपने कोबरा निकालने के लिए डायमंड वेस्ट कर दिया है तब तो अलग ही बात है। सो गाइज, ये हमारी फ्री फायर में जल्द ही रिटर्न में आने वाली है, मुझे ये लीक्स का पता चला है, मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि ये फ्री फायर इतना दयावान कब से हो गया हमारे इंडिया सर्वर के लिए। जो इंडिया सर्वर में रेयर चीजें मानी जाती है जैसे क्रिमिनल बंडल या फिर ये जो कोबरा बंडल था ये भी एक तरीके से रेयर था। सो ये रिटर्न में क्यों दे रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीछे हमारी जो फ्री फायर था वो उसकी 4th एनिवर्सरी चली गई थी, मतलब 4th एनिवर्सरी आई थी और 4th एनिवर्सरी पे फ्री फायर ने कितना खर्चा किया था वो आप लोगों से छुपा नहीं है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डीजे है जैसे डीजे आलोक हो गया, डिमित्री हो गया, के हो गया और ये जो हमारा एक था, ये सारे के सारे डीजे है और डीजे कोलैबोरेशन करने के लिए पैसे लेते हैं और पैसे भी बहुत सारे पैसे लेते हैं। मतलब फ्री फायर को इन्हें रुपए देने पड़े थे कोलैबोरेशन करने के लिए, मतलब सेलिब्रेशन किया था ना 4th एनिवर्सरी का, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा फ्री फायर ने किया था। और इस खर्चे की भरपाई ऐसे तो होने वाली नहीं है, वो इंडिया सर्वर से ही इसकी भरपाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था तो कुछ ऐसे आइटम देने जरूरी थे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे और लोग उसी को खरीदेंगे जिसकी ज्यादा डिमांड हो। जैसे क्रिमिनल बंडल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, वो आया और इंडिया से बहुत ज्यादा बंदों ने डायमंड लगाए और डायमंड लगाने के बाद में ये वाला जो बंडल है स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आपके भाई ने भी निकाला था लेकिन आपके भाई का लक अच्छा था कि 500 डायमंड में ही निकल गया। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कोबरा बंडल निकालने के, 4 टोकन मेरे पास हो गए हैं, अभी आखिरी का जो टोकन है वो कितने डायमंड में निकलता है वो तो यार आपके भाई के लक पे डिपेंड करेगा। सो अभी आप समझ गए होंगे कि ये सारे जो फंडे हैं कितना दयावान हमारे इंडिया सर्वर के लिए क्यों हो रहा है फ्री फायर, आप समझ ही गए होंगे। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो यार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पास मारे वाले घंटे के दबाने के लिए अलग से कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ एक नए एंड नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना क्योंकि आपके बिना मेरी जिंदगी सूनी सूनी लागे है।